नमस्कार, मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक और ढोलक का वीडियो। जी हाँ, बहुत सारे लोग की फरमाइश थी कि मैम हम लोगों कोई ऐसा ताल बजाएं जैसे आप खुद बजाते हो, तो आज मैं आप लोग के लिए वही लेके आई हूँ कि मैं कैसे ढोलक बजाती हूँ और कैसे सीखी हूँ, मेरे क्या टेक्निक है, मैं कैसे प्रैक्टिस करती हूँ, कैसे बजाती हूँ। आज मैं अपने ही ताल लेके आई हूँ जो मैं खुद बजाती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बेहद अच्छा लगता है जो ताल। आज मैं वही ताल आप लोग के लिए भी लेके आई हूँ। कोशिश रहेगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊं जिससे आप लोगों को बिल्कुल आ जाए। तो जी हाँ, जो आज ये था कि बहुत सारे मैम आपकी तरह मुझे ढोलक बजाना है, तो आप लोग के आज ये जो है क्वेश्चन आज मैं आप लोग के लिए वही लेके आई हूँ। आप लोग जरूर देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत सारे लोग होते हैं वीडियो को भगा भगा के देखते हैं, तो आप लोग बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं कि बीच में कहाँ बताया जा रहा, तो आप उसको क्या करते हो, आप उसको छोड़ देते हो उससे। तो ये चीज जो होता है ना, अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे, भगा के नहीं देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो मेरा आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से देखें। और अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। क्योंकि अगर आप लोग लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो इससे क्या होता है ना, जो मेरी मेहनत होती है और जो मैं आप लोग के लिए लेके आती हूँ, हर कोई भी काम हो तो उसके लिए पता है आप लोग को तैयारी करना पड़ता है। और खासकर यूट्यूब पे जो होंगे उन्हें बहुत ही पता होगा कि YouTube पे कैमरे में आने पे कितना मेहनत करना पड़ता है, तब आप आके अपने चीजें को रख पाते हो। तो आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक लाइक कर दें और जो सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब करें। और आइए मैं आप लोग को बताती हूँ कि आप लोग को बजाना कैसे है। यार बहुत ही अच्छा टेक्निक है, आप लोग को केवल जान लीजिए, अगर आप शुरुआत करेंगे तो केवल आपको 2 बार शुरुआत करनी है, ठीक है, उसके बाद आपको पूरा ढोलक आपके बज जाएंगे। ये तो आपको पता है, ये आपका बेस साइड है और वो आपका पतला हिस्सा जो है वो आपका चाटी साइड है, जिसको जो मेरे चैनल पे शुरू से बना होगा उसे पता होगा कि मैं ये चीज हमेशा बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग नए जुड़ते हैं उन्हें नहीं पता होगा। तो आप लोग को मैं बता दूं, ये आपका बेस साइड है और वो आपका जो पतला हिस्सा होता है वो आपका चाटी साइड है इधर। तो आइए मैं आपको अब बताती हूँ आपको बजाना कैसे है। आपको बजाना है है ना, आपको बजाना है यहाँ पे 3 काउंटिंग, आपको एक साथ 3 गिराना, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अधिकतर ये जो ताल है ना, ये जो ताल है आपका बहुत सारे सॉन्ग पे बजते हैं, सॉन्ग पे भी हो गए, भजन पे भी हो गए। आप ऐसा, मैं इसलिए आप लोग के लिए लेके आई हूं कि एक जैसे होता है ना, एक ताल आप सीखो और सारे पे बजाओ, तो आप इसे जरूर सीखें। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। और जिसके जिसके पास ढोलक है वो जरूर लेके आए, क्योंकि तुरंत प्रैक्टिस करने से आपको बहुत जल्द आएगा और वीडियो को देख के ही आप बजाएं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे होता है ना कि कोचिंग में जाते हैं, किसी कोचिंग सेंटर में जाते हैं, तो गुरु गुरुजन वगैरह बताते हैं, तो हम उसको तुरंत प्रैक्टिस करते हैं, बजाते रहते हैं, तो मुझे वो जल्दी आता है। तो वैसे ये भी है, अगर आप वीडियो पे देख रहे हो और आप तुरंत बजाओगे तो आपको बहुत जल्द आएगा समझ में। तो आप जिसके जिसके पास ढोलक है आप लोग जरूर लेके आए और प्रैक्टिस करें। 1 2 3 4 1 2 3 4। पहले आप बेस साइड की हैंड की प्रैक्टिस करें, उसके बाद आपको चाटी के साइड लेके चलते हैं। बाद आपको चाटी के साथ बजाना 1 2 3 4। ये आपका बेस साइड हो गया। अब आ जाइए आप चाटी के साथ, चाटी के साथ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 5 6। जो आपका है वो ग्रुप फिंगर गिरेगा, देखिए 5 5 6 5 6 5 6 5 6। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
अब मैं ढोलक पे बजाऊं और मेरे बज जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अपने तार यहीं गिरेंगे। आपका जल्दी हम बता रहे हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 आपका 5 और 6। अब आइए हम दिखाते हैं आपको इस पे बजा के, ठीक है। इस वाले दोनों हैंड को एक साथ बजा के दिखाते हैं, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि मैम ने कैसे बताया और ये सुर कैसे निकलेगा, इसका ताल क्या होगा, इसका लय क्या होगा, कैसे निकलेगा ढोलक पे बजने के बाद। जब आपको इसको पूरी तरीके से आप बजा लोगे, आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो आपका ये सुर कैसे निकलेगा ये मैं बताती हूँ आपको। चला मुझे अपनी नगरी।
और ही ऐसे इस गाने को कर करके गाना मेरे YouTube पे ये गाना मैंने डाल भी रखा है। अभी पायल बचा था, मेहंदी बची थी, बहुत सारे ऐसे जोड़ जोड़ के आप गा सकते हो। बहुत ही अच्छा ये सॉन्ग है और मुझे लगा भी कि आपको बजा के भी दिखा दूं कैसे बजेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा ताल है, आप इसे जरूर सीखें। और आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं एक नए वीडियो के साथ आऊंगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, लव यू, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी लोग।